गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर वन चैनल बैंकर्स कट्टा। और आज हम बात करेंगे जो ESIC का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, जो आज 3 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 बजे की थी, जो पेपर 10 बजे स्टार्ट हुआ था। तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उसका ऑनेस्ट मैं शायद आपको देना चाहता हूँ कि उससे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी निकाल सकते हैं और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या हो सकती है। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जो मेन्स एग्ज़ाम होने वाला है इस ESIC का, उसके बारे में बात करेंगे। जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों, कि उसमें हम बहुत से फैक्टर सोचा है मैंने, उस फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा अपने को। वो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे वाले। और डेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट के लिए भी मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताऊंगा। और जो मेंस का एग्ज़ाम भी होने वाला है उसके लिए कुछ फैक्टर्स है, मतलब कुछ ना कुछ डेट्स क्या हो सकती है पॉसिबली, तो वो बता सकता हूँ। इससे मैंने डिस्कस किया है, मेरे कुछ बहुत दोस्त थे, 15-20 दोस्त थे मेरे आज, तो उनसे बात करके मैंने ये इस कंक्लूजन पे मैं आया हूँ। इसलिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको जो बताऊँगा, शायद उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते हैं एज़ पर माई एनालिसिस। लेट्स बिगिन कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं तो आपको अटेम्प्ट के बारे में बात करूँगा जो एवरेज अटेम्प्ट आया था। एवरेज अटेम्प्ट रीजनिंग में बच्चों ने कम से कम 25 बनाए हैं, अरे अच्छे लड़के ने 30 बनाए, जिसका पजल आ गया वो 30 पे चला गया। मैथ्स एक 20 अटेम्प्ट तो एवरेज है, एवरेज बंदा, और अच्छा जो है उन्होंने 24-25 करे हैं अटेम्प्ट। और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में एवरेज अटेम्प्ट तो 20 है और यहाँ पे भी 25 है। मिनिमम अटेम्प्ट जो है वो दोस्तों 65 के नीचे तो नहीं आएगा, और मैक्सिमम अटेम्प्ट जो अच्छा बंदा है वो 85 तक भी चला गया है, 85 तक। बाकी सेक्शन की बात करेंगे तो रीजनिंग में तो ईजी था, 20 क्वेश्चन, 3 पजल आई थी, जिसमें से एक ईजी थी, एक मॉडरेट थी और एक टफ थी। ईजी जो पजल थी उसमें वो नॉर्थ बेस्ट थी, जो दोनों वेरिएबल थी और सिटीज़ दी थी, सिक्स पीपल, सिक्स सिटीज़। मॉडरेट पजल थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली, और टफ पजल थी बॉक्स पजल। मेरा अटेम्प्ट मैं बता दूंगा आपको, रीजनिंग में मैंने 25 अटेम्प्ट किए, मैथ्स में मैंने 24 किए, इंग्लिश में मैंने 25 किए, शायद यहाँ पे कुछ तो भी, हाँ इंग्लिश में 24 है, ऐसा मेरे 73 अटेम्प्ट है। रीजनिंग में मेरा पजल एक बॉक्स पजल मैंने लिया, और बॉक्स पजल थोड़ा हार्ड था, वो बैठ नहीं पाया, इसलिए मेरा रीजनिंग का अटेम्प्ट कम हुआ। उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे दोस्तों, मैथ्स ईजी था, 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि 10 DI थे, 5 क्वाड्रेटिक थे, 5 सीरीज थे, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता था। आगे के 4 सवाल जो थे, एक कैसलेट डी आया था मैथ्स में, कैसलेट डी आई के बाद कैसलेट डी आई कुछ तो भी था, अब याद नहीं आ रहा, मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए, और वर्ल्ड प्रॉब्लम थोड़े से हार्ड थे। तो बात करूँगा तो रीजनिंग की, वो ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट। मैथ्स भी मॉडरेट था, और इंग्लिश मॉडरेट टू टफ। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि एक क्या हो सकता है, मतलब कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले फैक्टर है कि वैकेंसीज कितनी, 600 वैकेंसीज, नंबर ऑफ बच्चे किन्होंने कितने अप्लाई किए थे, तो 1,69,000 अप्रोक्सीमेट बच्चों ने अप्लाई किया था। आज एक बात देखने को मिली कि बहुत से बच्चे अपसेंट भी थे। अपसेंट का जो रेशियो था, मतलब अब जो क्वांटिटी होती है, आप सॉरी क्वांटिटी नहीं बोल सकते, बहुत बच्चे अपसेंट थे आज, कम से कम यहाँ से बात करेंगे तो 1,50,000 तो हम पकड़ सकते, 20,000 अपसेंट पकड़ सकते। 1,50,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने अप्लाई किया था। ये बहुत ही कम है दोस्तों, बैंकिंग में तो 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से 10% बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि बैंकिंग में एक ट्रेंड ऐसा है, मैंने देखा है कि जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव को बहुत, मतलब फोबिया है उनके मन में, वो फॉर्म ही नहीं फिलअप करते जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है। शायद बहुत कम बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था। ये एक पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर की वैकेंसी 600 है, तो मेंस को 6,000 बच्चे लेंगे, 6,000 मतलब इन्होंने बोला कि 10 times हम बच्चे उनको बुलाएंगे। मैं ये बात करना चाहता था कि 6,000 बच्चों में से जो 6,000 बच्चे निकलने वाले, उनमें से ऐसे एवरेज बच्चे तो होंगे जिन्होंने 25 रीजनिंग में किया है और 25 मैथ्स में विथ 100% एक्यूरेसी की होगी, मतलब 50 मार्क्स तो उनको रीजनिंग मैथ्स में आ सकते हैं, 48-50 हम पकड़ सकते हैं, 48-50 एक अच्छा बच्चा जो सिलेक्टेड होने वाला है। और इंग्लिश का पेपर ऐसा था दोस्तों कि वहाँ पे 10 मार्क्स तो लाना पॉसिबल था, क्योंकि 5 मार्क्स के स्पेलिंग एरर थे, वो तो हमेशा सबके बराबर ही आएंगे, 5 मार्क्स तो वहाँ पे कोई भी ले सकता है। बाद में पैराजम्बल थोड़ा सा टफ था, लेकिन वहाँ पे कुछ तो भी मेरा डी ए बी
सी ऐसा कुछ तो भी आया है। पहला तो परफेक्ट है, पहले दो बाकी के में पता नहीं क्या है कुछ भी, आप कमेंट करके बताएगा जिसने सॉल्व किया है उसने। उसके बाद पैसेज भी थोड़ा लेंदी था, इंश्योरेंस बेस्ड था, कुछ प्रोफेशनल इंश्योरेंस और कुछ स्टार्टअप इंश्योरेंस करने के बाद और लाइफ इंश्योरेंस, कुछ तो भी ऐसा मिक्सचर था। और एक्सपेक्ट किया था मैंने इंश्योरेंस का एग्जाम है तो शायद इंश्योरेंस बेस्ड पैसेज आएगा ही, क्योंकि NISL के मेंस में भी इंश्योरेंस बेस्ड पैसेज आया था, प्री में भी शायद आया था मुझे। ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कट ऑफ के बारे में बता सकते हो दोस्तों कि अब हमने तो रीजनिंग प्लस मैथ्स में 50 अटैम्प, एक अच्छा अटैम्प्ट करने वाला बंदा दिखा है, और 10 मार्क्स तो मैथ्स में सॉरी इंग्लिश में ला सकता है। तो 60 प्लस एक जो अच्छा प्रिपेयर करने वाला है जो बैंकिंग में है, उन्होंने फॉर्म पे फिलअप किया है, तो उसका 60 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन कट ऑफ क्या है ना दोस्तों, ये अच्छे बच्चे का दिखा है हमने, तो एवरेज स्टूडेंट तो यहाँ पे 45 ले सकते हैं और इंग्लिश में 10 पकड़ सकते हैं, मतलब 55। सो कट ऑफ जो है ना दोस्तों फॉर ओपन के लिए मेरे ख्याल से 58 प्लस माइनस 1 जाना चाहिए, क्योंकि क्या है अच्छा जो स्टूडेंट होगा 62 से 65 तो जाएगा, लेकिन ऐसे कम कम बंदे होंगे जो इतने स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं हो रहा था पेपर। रीजनिंग में 35 तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, 30 तो हार्डली किया होगा, मैथ्स में भी 25 हार्डली किया होगा। फिर डोमिनेट करता है दोस्तों सेक्शन इंग्लिश, इंग्लिश बहुत डोमिनेट करता है, ऐसे जहाँ पे लेस वैकेंसीज होती है ना 600 500 400 वहाँ पे इंग्लिश बहुत डोमिनेट करता है। लेकिन आज का इंग्लिश ऐसा भी नहीं दिखा वो बहुत डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि मॉडरेट टू टफ लेवल का था, क्योंकि क्वेश्चन मार्क करने के वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी, भाई करूँ या करूँ टिक या ना करूँ, ऐसे कुछ ना कुछ जगहों पर लग रहा था। स्पॉटिंग एरर भी थोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के थे, मतलब अच्छा था। ये बात कर सकते कि यदि पीओ IBPS PO कट ऑफ यदि 48 के आसपास लगा है ओपन का, तो यहाँ पे 10 मार्क्स तो इंक्रीज होना ही चाहिए डेफिनेटली। मेरे मतलब ऐसे तो हमने 58 तो ओपन का निकाला है, OBC का इससे एक का मार्क पकड़ सकते हैं 57 फॉर OBC 57, SC का 2-3 मार्क पकड़ सकते हैं मतलब 54 तक, और ST का दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 45 जाएगा, उसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि वैकेंसीज ले से 45 to 48 तक ST का जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा एक सर्विसमैन वगैरह जो कुछ भी है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट हो सकती है दोस्तों अभी 3 नवंबर है, तो शायद बिफोर 23 नवंबर, मतलब 20 दिन तो हमने भी वो 23 नवंबर रिज़ल्ट आ जाएगा। और मेंस का जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंस होगा वो 15 डेज एटलीस्ट देंगे, वो 15 to 20 days, तो वहाँ से पकड़ सकते हैं 20 से 20 मतलब 13 दिसंबर तक जाता है। लेकिन 16 दिसंबर को SEBI का ऑलरेडी मेंस एग्ज़ाम लाइनअप है SEBI का, मतलब अपने को 17 दिसंबर एक डेट खाली बची है और 22 दिसंबर मेंस के लिए, क्योंकि 23 दिसंबर तो कैनरा का बैंक का जो प्रीलिम होने वाला है। इसका मतलब एग्ज़ाम यदि होती है तो 17 दिसंबर 22 दिसंबर या फिर 29-30 दिसंबर को जा सकता है डेफिनेटली। इन चारों डेट्स में ही मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है आई होप, यदि प्रोसेस फास्ट रहा तो, मतलब ये तो अब IBPS ने लिया तो शायद प्रोसेस फास्ट ही होगा। यहाँ पे अब हम मैं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि अब एक्सपेक्ट कट ऑफ भी हो गया, डेट ऑफ रिजल्ट भी हो गया है प्रीलिम का और मेंस का भी होगा, और एक अनाउंसमेंट थी कि IBPS क्लर्क के बारे में शायद मैं एक वीडियो 5 नवंबर को लेके आने वाला हूँ कि क्या कुछ करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी आई थिंक फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड। और यदि मैं IBPS क्लर्क देता तो मेरा क्या प्लान रहता, क्या मैं प्लान करता आगे के 25 दिन में, मतलब 10 नवंबर से 20 दिन पकड़ते ऊपर के 5 दिन, मतलब 25 दिन आपके पास रहे, तो कौन मॉक टेस्ट पे क्या कितना फोकस करता, कहाँ पे कितना फोकस करता, तो ये एक वीडियो के रिलेटेड वीडियो में 5 नवंबर को अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।